हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज हम आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाए हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो गाइस, आज हम बताने वाले हैं आपको वो एक्सरसाइज जिससे हमारी कमर की जो चर्बी होती है वो पिघल जाती है बड़े ही आराम से। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है जिससे हम कमर को अपनी शेप में ला सकते हैं, बाकी जो हमारे ब्रेस्ट होते हैं उनको भी हम साइज़ में ला सकते हैं। तो गाइस, किसी ने हमसे कमेंट किया था कि आप कमर और ब्रेस्ट का बताइए कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो गाइस, यही हमारी एक्सरसाइज होती है जिससे हम अपनी कमर को और ब्रेस्ट को सही लेवल में ला सकते हैं, उनका साइज़ ठीक कर सकते हैं। जो भी मतलब हमारा साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वेट की वजह से, तो उसको हम कैसे लेवल में लाएँ, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हमारा शरीर की जो भी सारे पार्ट्स है वो लेवल में आ जाए और हम पतले दिखने लगें और फिट रहें। तो गाइस, यही सारी एक्सरसाइज आज मैंने आपसे शेयर करी है। तो देखिए गाइस, ये सारी एक्सरसाइज है हमारी ब्रेस्ट की जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा कोई टफ भी नहीं है, इसे कोई भी आराम से कर सकता है बड़ी ही ईजली। तो मेरी सारी एक्सरसाइज ऐसी ही होती है जिसे कोई भी बड़े आराम से कर सकता है बिना किसी डिफ़िकल्टी के। तो देखिए गाइस, हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है और उसके बाद हम आ गए थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो गाइस, अगर आप बाहर जा सकते हैं तो बाहर ज़रूर जाइए, बाहर की वॉक की बात ही कुछ और होती है। और वॉक करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पानी पीने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे गर्म पानी मॉर्निंग में पीना ही पीना है। तो जो लोग पतले हैं मोटे हैं वो ज़रूर गर्म पानी पिए, ये सिर्फ मोटे लोगों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। और ये देखिए, हमारा शहद जो नियम हमारे रहते हैं वो यही रहते हैं और ये छूटने वाले नहीं है। तो गाइज, ये सभी के लिए मैं बताना चाहूँगी। कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, नहा धो के हम तो हो गए हैं रेडी, तो अब हम पीने वाले हैं आंवले का जूस। तो देखिए गाइज, मैं आंवले लेके आई थी, ये मैंने कहा चलो आंवले का जूस पीते हैं। अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं है तो मैंने कहा पहले आंवले का जूस पीऊँगी खाली पेट, गर्म पानी में इसको कद्दूकस करके इसका जूस निकालती हूँ। और तो देखिए गाइस, यहाँ हम निकाल रहे हैं आंवले का जूस। तो गाइस, मैंने दो ही आंवले लिए हैं और दो ही आंवले का जूस निकालूंगे और बड़ी इजीली से निकल जाता है। तो देखिए, यहाँ कद्दूकस कर लिया है, फिर इसको कपड़े से छानकर इसका जूस निकाल लूँगी बड़ी आराम से। तो गाइस, आंवला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे पेट के लिए, सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए गाइस, मैंने थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स किया है और घुट घुट करके इसको पी लूँगी। आप चाहे तो इसे मॉर्निंग में भी पी सकते हैं और आप चाहे तो इसे खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं। तो गाइस, हमारा हो गया था आंवले का जूस, हमने पी लिया था, उसके बाद हम आ गए फ्रूट्स कट करने के लिए। तो देखिए गाइस, हमारे फ्रूट्स भी कट हो चुके हैं। तो गाइस, आज हमने लिया है अंगूर और एक सेब। तो गाइस, यहाँ आराम से बैठकर हम खा लेंगे अपने फ्रूट्स। और ये देखिए, हमारा शैतानू यहाँ पर भी आ गया है। तो फ्रूट्स वगैरह हमने खा लिए हैं और अब हम आ गए किचन में और हम बना रहे हैं पोहा। तो गाइस, आज किसी की फरमाइश पे बन रहा है पोहा। तो देखिए गाइस, पोहा में हम डालने वाले हैं सारे वेजिटेबल और ये हमारा पोहा। तो आज हम बना रहे हैं पोहा, तो क्योंकि हमारी सिस्टर आई हुई है और सिस्टर की छोटी सी बेटी है तो उन्हीं के लिए पोहा बन रहा है। और वैसे पोहा बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, हमने कहा चलो पोहा बना लेते हैं। और गाइस, आज हमारी सिस्टर बहुत टाइम बाद हमारे घर आई और आते ही उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया कि क्या खा रही हो जो इतना पतली हो गई हो, फेस पे इतना ग्लो है, क्या बात है। तो गाइज, ये चीज़ें सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए गाइज, हमारी पोहा अभी तैयार हो चुका है। तो गाइज, पोहे वगैरह हमारा बन गया है और रेडी भी हो गया है पोहा। और आज हमारे घर में आए हैं गेस्ट, तो उन्हीं के लिए स्पेशल आज पोहा बनाया उनकी मर्जी पे। तो ये देखो, ये गेस्ट हमारे भूत बन के बैठे, ये देखो सच में भूत बन गई। तो गाइज, आज आई है यूवी। हेलो करो, हेलो प्रियांशु, हेलो करो, पढ़ाई लगी उसकी। देखो यूवी, हाय, आज पोहा क्यों बना है? गेस्ट आए हैं। हाँ, यूवी को पसंद है ना। यूवी, अब तुम 32 का फॉर्मूला करोगी, ठीक है? पतली होगी तुम, ठीक है? नहीं नहीं, प्रियांशु हेलो, देखो मार रहा अपनी बहन को, मारने में लगा पड़ा, इतनी देर हो गई। तो चलिए गाइस, पोहा खाते हैं और नाश्ता करते हैं, बहुत देर हो गई। वैसे ही गेस्ट आ जाते हैं देर हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो गाइस, अब हो चुकी है शाम और शाम के बज गए हैं 5। तो गाइस, 5 बज गए हैं और हमारी सिस्टर आई थी, तो हमारी सिस्टर भी जा चुकी है। वो ऐसी थोड़ी देर के लिए हमसे मिलने के लिए आई थी, तो मैंने ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं किया, थोड़ा उसको अजीब लगता है कैमरे में आने पर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं किया। और अब शाम के 5 बज गए, वो चली गई थी, 1 घंटा हो गया उसको गए हुए।
तो गाइज हमने आज पोहा बनाया था, अपने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक ही हो गया आज हमारा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जितना कम खाऊं, कोशिश ही करती हूँ गाइज, और मेरे से हो भी जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें खाने को अवॉइड भी करना पड़ेगा अगर हम वेट लॉस जर्नी पर है। ये नहीं कि 24 घंटे कुछ ना कुछ खाना है। और मैंने पोहा भर प्लेट मतलब भरा हुआ प्लेट मैंने पोहा खा लिया था, तो फिर मेरा मन नहीं किया कुछ खाने का, और फिर हम लोग बातें वगैरह करने लग गए और बातों में लग गए, तो फिर वैसे भी मन नहीं किया। तो अब शाम के 5 बज गए हैं और बाबू मेरा सो गया है, ये देखो बाबू सो गया है, और ये सब सूट मेरे को अब ढीले ढीले आने लग गए हैं। और पता है मतलब एक अलग ही खुशी होती है जब मैं अपने आप को देखती हूँ ना, और कोई मुझे तारीफ़ करता है, अरे क्या बात है कितनी पतले हुए हो, तो सच में बहुत खुशी मिलती है। और गाइस शुरू शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा वेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो गाइस वेट कम होता है, बस थोड़ा सा आप सब्र रखिए और थोड़ी अपनी भूख पे कंट्रोल कीजिए तो सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो गाइस मैंने आज रोटी नहीं खाई है दिन की, तो अब शाम को ही देखती हूँ क्या खाऊंगी, अभी तो 5 बज गए हैं, तो सोच रही हूँ क्या बनाती हूँ। तो आज दिन में भी चाय भी नहीं पी, तो गाइस चाय पीने का मन है, तो ये है कि मैं पूरे दिन में एक टाइम तो चाय पी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने छोड़ दी है। हाँ कम शुगर तो मैं वैसे यूज़ नहीं करती, मैं खांड यूज़ करती हूँ, तो वही डालूंगी और उसी की चाय बनाऊंगी। तो अब 5 बज गए हैं तो मैं सोचूँ चलो चाय बना लेते हैं। तो गाइस मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती थी कि फूल ऑफ प्लांट्स का, फ्लावर्स का, पेड़ पौधों का बहुत शौक़ होता है लोगों को, जैसे मुझे भी है, प्लांट्स का बहुत शौक़ है, और हर किसी को हर बात नहीं पता होती है प्लांट्स के बारे में। तो आपको अगर प्लांट्स की जानकारी चाहिए, अच्छी जानकारी चाहिए, तो मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करती हूँ, आराध्या गार्डन टिप्स। तो गाइस आराध्या गार्डन टिप्स के नाम से चैनल है, और मैं यहाँ नीचे इन बॉक्स में भी डाल दूँगी आपको उनका लिंक। तो किसी को भी पेड़ों से कोई भी समस्या है या कोई भी जानकारी लेनी है किसी भी प्लांट्स के बारे में, तो आप उनके चैनल पे जाइए और उनको कमेंट कीजिए, वो आपको हर तरह की जानकारी देंगी। तो उनको हर तरह की जानकारी पता होती है प्लांट्स की, और उनका प्लांट्स का ही चैनल है। तो गाइस मुझे कोई दिक्कत होती है प्लांट्स के बारे में तो मैं तो उन्हीं को कमेंट करती हूँ या उनसे पूछ लेती हूँ, तो मुझे उनका चैनल बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स के बारे में, वो बहुत अच्छी जानकारी देती हैं। तो मैं दोबारा से बता रही हूँ, आराध्या गार्डन टिप्स, आप जगह सर्च करिए और देखिए कि उनकी कितनी अच्छी वीडियो होती है प्लांट्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, इतनी अच्छी जानकारी देती हूँ हर चीज़ की, तो मिस मत करिएगा, ज़रूर जाइएगा, सर्च ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं किचन में, क्योंकि हमें पीना है पानी, जो हमारे शरीर के लिए है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, पर ज़्यादा पानी हमें नहीं पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर पानी और जेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी भी हमारी किडनी पे नुकसान देता है। इसलिए गाइस अपना ध्यान रखिए, हर चीज़ की अति नुकसानदायक होती है चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो चलिए गाइस चलते हैं किचन। तो गाइस अब हम आ गए हैं पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे पानी पियेंगे। तो गाइस यहाँ देखिए हमने गर्म पानी कर लिया है, उसको बैठ के आराम से पियेंगे पानी घुट घुट करके। तो गाइस पानी वगैरह पीने के बाद हम आ गए थे अपने इवनिंग के नाश्ते के लिए। तो गाइस यहाँ पे हमारी बन रही है चाय, और थोड़े से मखाने फ्राई कर लेंगे कम घी में। तो देखिए गाइस ये हमारे मखाने भी फ्राई हो गए हैं और चाय भी लगभग बनने ही वाली है। तो देखिए गाइस हमारी चाय और मखाने रेडी हो चुके हैं, और यहाँ बैठ के आराम से हम अपना नाश्ता कर लेंगे इवनिंग का। नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे किचन में, क्योंकि हमें बनाना था खाना। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने फटाफट से बना दी है गोभी आलू की सब्ज़ी। तो गाइस हमारी सब्ज़ी वगैरह भी, आटा वगैरह हमने सब गून लिया था। गाइस खाना वगैरह तो हमारा बन गया है, और अब है डिनर का टाइम। तो हमारे डिनर में आज है, तो देखिए गाइस आज हमारे डिनर में है गोभी आलू की सब्जी, और हमने लिया है सैलेड, और ये लिया है 2 रोटी। तो गाइस आज रात को यही खाने वाले हैं, तो दिन में तो रोटी नहीं खाई और अब रात में मैंने कहा चलो खा लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ हमारा हो रहा है डिनर, और डिनर करने के कुछ देर बाद हम आ जाएंगे वॉक करने के लिए। तो गाइस नाइट में खाना खाने के बाद ज़रूर वॉक करें, वैसे दिन हो या रात हो वॉक करनी ज़रूरी है। चलो अब बाबू आज हमारे ब्लॉग का एंड करेगा, तो बाबू बोल दो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, तो बोल दो गुड नाइट, बाय बाय गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।